कमेंट करके यहाँ भी बताना है ये वाला जो एक पार्ट है लाइट का, ये कौन सी 125 सीसी गाड़ी से मिलता जुलता आपको लगता है कि रिवर्स में आपको गाड़ी लेनी है तो इस स्विच को इस टाइप से यहाँ पे, ये रहा विथ वाइजर आपका पार्ट और ये रहा अपना विदाउट वाइजर वाला पार्ट। फास्ट चार्जर जो आपका रहेगा उसके साथ आपका 0 to 80% का टाइम रहेगा। वहाँ बात कर लेते हैं सबसे मेजर, गाड़ी ले रहे हो, रेंज अच्छी है, प्राइस अच्छी है, अब वारंटी पैक क्या यहाँ पे रहता है, क्या बैटरी की वारंटी रहती है कंपनी की तरफ से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सिंगल फ्रेम में आ गया आप लोगों के लिए सारे ही कलर, सो 3 और 1 4। सो आज का अपना वीडियो रहने वाला है रिवोल्ट RV 1 प्लस के बारे में। बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, रिव्यू वीडियो और EMI वीडियो आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो, और आज के लिए अपने पास ना चारों ही कलर भी अवेलेबल हो चुके हैं। टोटल 4 कलर ऑप्शन में बाइक अवेलेबल रहता है, चारों ही आज के लिए अभी के लिए अपने पास अवेलेबल है। अब ज़्यादा देर तक अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं क्योंकि भैया बाइक ने ना शोरूम में रश बना दिया है, ये काफ़ी अच्छे नंबर्स में सेल हो रही है। अभी तो स्पेशली एक फेस्टिव सीजन भी चल रहा है तो उसमें ये बाइक ना काफ़ी अच्छे नंबर्स में सेल हो रही है। 4 बाइक ये रही जो अपन लोग वीडियो में आज के लिए कवरअप करने वाले हैं। अच्छी खासी बाइक्स अभी लगभग ना 5-6 बाइक ऑलरेडी डिलीवरी भी हो चुकी है, एक यहाँ है और ये रहा, ये सभी ना अभी के लिए RV 1 प्लस ही है। RV 1 प्लस और RV 1 इस टाइप से टोटल 2 वेरिएंट्स कह सकते हैं या फिर 2 बैटरी पैक के साथ ये बाइक अवेलेबल रहने वाली है। ऑलरेडी ब्लैक ब्लू का रिव्यू और EMI वाला वीडियो ब्लैक ब्लू वाली बाइक के साथ आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो। ये बाइक आज ही ना बाकी के कलर सारे आज ही डिलीवर हुए हैं। यहाँ बैठ जाते हैं ना लाइट के सामने, भाई रिंग लाइट भी मिल रही है यहाँ पे ना, देख रहे हो आ रहा है बढ़िया फील। तो भाई गाड़ी ले लो, उसके साथ आप वीडियो भी बना सकते हो, बढ़िया बढ़िया सेल्फी भी ले सकते हो, अच्छी चीज़ है भाई। फुल पैसा वसूल, फुल वैल्यू फॉर मनी वाला सेटअप यहाँ पे रिवॉल्ट ने ना बना दिया, और वही रीज़न है भाई काफ़ी अच्छे नंबर्स में गाड़ी सेल हो रही है। अगर आप लोग भी जयपुर से हो तो नीचे नंबर आ रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बाइक आप लोग ले सकते हो। अपना RV 400, RV 1 प्लस, RV 1 जो भी वाला आपको बाइक प्रीफर करना है ले सकते हो, कॉन्टैक्ट करके मेरा नाम ले देते हो तो अच्छी डील मिल जाएगी, डिलीवरी जल्दी मिल जाएगी ऑन टाइम, और टेस्ट राइड वाला सीन भी आपका सॉर्टेड हो जाने वाला है। टॉप स्पीड यहाँ पे है 70 किलोमीटर पर आवर की दोनों ही बैटरी पैक में, जिसके बारे में अपन लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, कौन सा कलर अब कवर करा जाए इस पर्टिकुलर वीडियो में वो है क्वेश्चन। सो मेरा फेवरेट कलर जिसने अपना वीडियो बनवाया ना रिंग लाइट वाला रेड कलर, आज अपन लोग कवर अप करते हैं इस वाले वीडियो में रेड कलर। बाकी सारे कलर अपने पास यहाँ हैं ही, तो बाकी के कलर का भी एक 360 अपन को वीडियो में आगे चल के मिल जाने वाला है। इस बाइक को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। रेड कलर पे यहाँ पे एसेसरीज भी इंस्टॉल्ड है जिसकी की प्राइसिंग अभी आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी की तीनों ही बाइक्स पे एसेसरीज नहीं है, यहाँ पे एसेसरीज भी इंस्टॉल्ड है तो उसका भी पार्ट, उसकी भी प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाने वाली है। यहाँ पे रिवॉल्ट की मार्किंग भी जाती है, और बेस्ट पार्ट जो उस गाड़ी का है ना, तो ये चेन ड्रिवन है, बेल्ट ड्रिवन यहाँ पे नहीं है, तो चेन यहाँ पे मिल जाती है। प्लस सीट जो है वो फ्लैट सीट है, और जो सीट का हाइट है ये भी आपका रेगुलर जो 100 cc वाला पेट्रोल बाइक आता है ना उसी के बराबर रहने वाला है। बट रेंज यहाँ पे बराबर के मिल जाती है 160 प्लस, 160 किलोमीटर से ज़्यादा RV 1 प्लस आपको ऑफर कर देती है। अब कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो MID के साथ स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लाइटिंग आप लोगों ने ऑन देख ही लिया था, जो रिंग वाला पार्ट है वो ऑन रहेगा। MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से है, इसका साइज़ है 6 इंचेस, 6 इंच का LCD डिस्प्ले यहाँ पे अपने को MID में मिल जाता है। राइडिंग मोड्स भी है, रिवर्स भी गाड़ी में मिल जाता है, जिसकी की बात अपन लोग करेंगे वीडियो में आगे चल के। कलर हो चुके हैं, प्राइसिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। एक क्या डिटेल आपकी रहने वाली है, प्राइस ऑन रोड जयपुर की अपनी रहेगी, एसेसरीज़ की प्राइस अलग है, वो आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना रहेगा। जैसे कि एक ये आपका वाइज़र आ जाता है, इसके साथ लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है, प्लस ये जो लेग गार्ड है ये भी आपका पार्ट ऑफ एसेसरीज ही रहने वाला है। ऑन रोड जयपुर RV 1 आपको कॉस्ट करेगी, RV 1 RV 1 प्लस नहीं, ये प्लस है। RV 1 ऑन रोड जयपुर कॉस्ट करेगी 95,000, 95,000 ऑन रोड जयपुर विथ 100 किलोमीटर प्लस रेंज, 100 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज आपको मिलेगी RV 1 में 95,000 पे करने के बाद। और RV 1 प्लस जो कि काफ़ी अच्छा सेटअप हो जाता है प्राइसिंग के कंपैरिजन में और रेंज के कंपैरिजन में, प्राइस टू रेंज देखा जाए तो ये आपको ऑन रोड जयपुर कॉस्ट करेगी 1,10,000, 1.10 ऑन रोड जयपुर। और यहाँ पे आपको ऑफर होता है 160 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज 160 प्लस और 100 प्लस, 95,000 और 1,10,000, तो 15,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है, 15,000 का डिफरेंस है यहाँ पे रेंज में 100 किलोमीटर और 160 किलोमीटर। तो ये वाला एक सारा सेटअप अपना चेंज रहता है प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। अब इग्निशन के साथ इस टाइप से ये अपना हेडलैम्प सेटअप ऑन है, ये रिंग वाला पार्ट है जो कि आपको प्रॉपर हेडलैम्प ही अभी ऑन दिख रहा है ना, ये रिंग वाला पार्ट एक ऑन रहेगा। इंडिकेटर भी ऑन कर लेते हैं साइड बाई साइड, तो LED में ही ओवरऑल लाइटिंग है फ्रंट का भी और रियर का भी। इस टाइप से इंडिकेटर ऑन होने के बाद अपना लुक बन जाता है, इंडिकेटर ही ऑफ करेंगे भाई, ये तो अपना रिंग लाइट है ना,
टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप अपने को फ्रंट पे मिल जाता है। 31 mm के राउंड अराउंड इसका थिकनेस है, जैसा कि सेम आपका 125 cc या फिर 100 cc पेट्रोल बाइक्स में रहता है ना, वही आपको यहाँ पे ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप मिल जाता है उसी थिकनेस का। ट्रेवल ही आप लोग देख रहे हो तो कच्चे रस्तों पर भी, कोई भी रफ रोड्स पर भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। नंबर प्लेट होल्डर आपका जाता है रेगुलर जगह पर, जैसा कि सभी बाइक्स पर रहता है। बट ये वाला जो एक वाइजर लगने के बाद और ये वाला जो क्लैंप है इसके साथ ना, ये वाला हेड वाला पार्ट आपको काफ़ी अच्छा और पसंद आने वाला है, ये चीज़ मैं अभी से कह सकता हूँ। शॉर्ट मडगार्ड यहाँ पे आप लोगों को फील होगा ये, बाकी एरिया ही अच्छा खासा कवर कर ही लेता है। यहाँ जाता अपना रिफ्लेक्टर। अब ब्रेकिंग की बात करते हैं तो अद्विक की यहाँ पे ब्रेकिंग आप लोगों को मिलेगी ये इस टाइप से। यहाँ पे कुछ रिवोल्ट का जैसा लोगो है ऐसा ही यहाँ पे जो ब्रेकिंग का लोगो है वो भी हो सकता है ये इन हाउस इन्हीं लोगों का रिवोल्ट का ही इन हाउस ब्रेकिंग वाला पार्ट हो। सो इस पे मैं श्योर नहीं हूँ, बट जैसा कि लोगो है उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही फील हो रहा है। 240 mm 240 mm का यहाँ पे फ्रंट में डिस्क मिल जाता है। सेम साइज़ आगे का भी है और सेम साइज़ पीछे का भी है। सेम यही डिस्क आपको पीछे भी मिलेगा इसी ब्रेकिंग के साथ। डिस्क पे भी अद्विक की ही मार्किंग यहाँ पे रहेगी। टायर है ये ट्यूबलेस टायर फ्रंट भी और ट्यूबलेस टायर आपको रियर भी मिलेगा। टायर का पैटर्न ये रहा और अलॉयज आपका कुछ इस टाइप का शेप अलॉय का रहेगा फ्रंट वाले का। सो ये कंप्लीट ओवरऑल ब्लैक ही रहेगा ये वाला सेटअप। यहाँ पे कंप्लीट एयर वेंट्स भी हैं जो कि आपका बैटरी को कूलिंग करने के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, जैसे कि यहाँ भी खाली स्पेस है और यहाँ से भी ना एक एयर फ्लो बना रहा है उसके लिए सेटअप है। कवरिंग कुछ टाइप से है, रेड बेस पेंट इस वाले कलर में है। सिर्फ एक ही गाड़ी है जिसका आपका बेस पेंट ब्लैक के अलग कलर का रहेगा, बाकी के तीनों में ब्लैक है। रिवोल्ट का स्टिकर आ जाता है, रिवोल्ट का लोगो आ जाता है। RV1+ की प्रॉपर मार्किंग है, एक छोटा पार्ट यहाँ भी है और ग्लॉसी ब्लैक वाला पार्ट है यहाँ पे, ये चीज़ आ जाएगा। अब ये स्टिकरिंग पे ना ये का एक पार्ट लगा हुआ है कवरिंग, जो कि प्रोटेक्शन के लिए कुछ इस टाइप से। बाकी सब कुछ ये ग्लॉसी में है, इसको लगने के बाद ये मैट में फील आ रहा है। ये वार्ड भी ग्लॉसी फिनिश के साथ ही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। लेग गार्ड ये रहा, लेग गार्ड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसकी प्राइसिंग मैं भी आप लोगों को आगे चल के बता देता हूँ। फुटपैक यहाँ है इस टाइप से, ये स्प्रिंग वाला रहेगा और पीछे वाला फोल्डेबल है। ये आपका कुछ सस्पेंशन सेटअप है, रियर ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला, अच्छे खासे एडजस्टमेंट हो सकता है 7-step एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे ये आएगा। मैट ब्लैक वाला यूज़ भी है। चार्जिंग पोर्ट या ये है जहाँ से गाड़ी को आप लोग चार्ज करोगे, रबर कवरिंग ये इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगी। सर्विस वाला पार्ट क्या रहता है और क्या कुछ आपके क्वेश्चंस आए ना पहले अपने रिव्यू वीडियो पे, उसके लिए एक सेपरेटली मैं आपका Q&A बनाने वाला हूँ रिवोल्ट RV1+ के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन ही मेरे पास इतने सारे आए हैं। सीट की बात कर लेते हैं तो सीट की, एक तो सीट हाइट काफ़ी लो है जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे रिवोल्ट का लोगो आ जाता है। फ्लैट ये सीट है, सीट की कुशनिंग भी काफ़ी सॉफ्ट है और सीट के नीचे एक स्पेस भी मिल जाती है, यूटिलिटी स्पेस आपको चार्जर रखने के लिए सीट के नीचे रहेगा और एक यूटिलिटी स्पेस आपको ये आगे भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा पार्ट हो जाता है। अभी वो भी अपन ना ओपन करके देखने वाले हैं। सीट हाइट यहाँ पे टोटल मिलती है 790 mm का, 790 mm का टोटल ये सीट हाइट है। ग्रेब रेल आ जाता है जिसकी कि अगेन काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। ये एक कैरियर टाइप भी है, बट ये कैरियर सामान रखने के लिए यूज़ तो मुझे नहीं लगता आएगा क्योंकि इसका एरिया थोड़ा छोटा है। ये हो सकता है हेडलैम्प की प्रोटेक्शन के लिए ही हो। रियर लाइटिंग सेटअप कुछ इस टाइप से यौन है। कमेंट करके यहाँ भी बताना है ये वाला जो एक पार्ट है लाइट का, ये कौन सी 125 cc गाड़ी से मिलता जुलता आपको लगता है। पहले वाले वीडियो पे तो कमेंट आ चुके हैं, इस पर भी आप लोगों को बताना है कि ये कौन सी एक 125 cc आती है, काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है उसके जैसा ये फील है। नंबर प्लेट वाला बल्ब भी LED मोर, ये LED यहाँ भी काफ़ी ब्राइट है भाई। आगे भी रिंग लाइट थी, पीछे भी रिंग लाइट यहाँ मिल जाती है। रिवोल्ट की मार्किंग आपको इसके ऊपर भी मिलेगा। इंडिकेटर सेम वही, टेल्ट ID सेम जैसा कि आपका 100 cc गाड़ियों पे भी रहता है। पीछे का टायर यहाँ पे है 110 सेक्शन का, पीछे वाला टायर है ग्रीडिंग ये रहा देखो 110 80 17। रेडियल टायर यहाँ पे नहीं है ओबियस, क्योंकि इस कैटेगरी में रेडियल की इतनी नीड रहती नहीं है। पीछे का ब्रेकिंग भी वही है 240 mm डिस्क, सेम ब्रेकिंग वही अद्विक वाला पार्ट है, पीछे भी रहेगा। सस्पेंशन का ट्रेवल सेम अगेन कैटेगरी की तरह ही है, रेड वाला पार्ट, बॉडी कलर वाला पार्ट, पीछे यहाँ भी एक रियर फेयरिंग पे आ जाता है। टायर का पैटर्न कुछ इस टाइप से है, सो ये अपना टेल लुक भी डन हो जाता है। अपोजिट साइड पर आ जाते हैं तो अपोजिट साइड पर भी पिलियन के लिए ये बाइक काफ़ी अच्छी है। एक लेडी, अगर लेडीज़ को आप पीछे बिठा के ज़्यादा चलते हो तो वो वाला पार्ट भी है। एक की होल यहाँ है, एक की होल अपना यहाँ है, तो ये अपना दोनों सीट और यूटिलिटी स्पेस ओपन करने के लिए आ जाएगा। ये रहा आपका साड़ी गार्ड और फुटरेस्ट मेटल में, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी। साइड स्टैंड ही है, यहाँ पे सेंटर स्टैंड नहीं है और हो सकता है आगे वाले टाइम पे, आने वाले टाइम पे आपका सेंटर स्टैंड पार्ट ऑफ एसेसरीज़ में अवेलेबल हो जाए। अब चेन ड्रिवन ये गाड़ी है, यहाँ पे बेल्ट नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर आपको चेन मिलती है। एक ये फाइबर वाला पार्ट आ जाता है ऊपर कवरिंग के लिए और इस पॉकेट का जो साइज़ है ना, ये जो पीछे चेन चक्का जिसे भाई देसी भाषा में कहते हैं,
सो ये जो स्पोकेट का जो साइज़ है ये आप लोगों को इजीली अराउंड अराउंड है, जैसे कि 200 सीसी कैटेगरी की बाइक्स में आता है ना 200 सीसी गाड़ी वाला, उस टाइप का आपको साइज़ यहाँ पे ये मिल जाता है। पीछे भी अपना टायर जेके का ही है और अलॉय ये रह गया था, तो अलॉय भी आप लोग ये देख सकते हो। बाकी फ्रंट का कुछ इस टाइप से है और फ्रंट की ग्रीडिंग अपन लोग इसी टायर पे इसी बाइक पे कवर अप कर लेते, तो ये रहा 90 सेक्शन और 110 सेक्शन, ये आपका पार्ट है डन। लेफ्ट साइड प्रोफाइल ब्लैक ब्लू, यहाँ पे लाइट सही है तो इससे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बेस पेंट ब्लैक ही है, ब्लैक 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 रेड, ब्लैक नियॉन और ब्लैक ब्लू, ये चीज़ें चेंज हो जाती है। अब ओपन कर लेते हैं एक बार सीट और ये वाला पार्ट। चलो पहले स्विचे सेटअप कवर अप कर लेते हो। ब्रेक लीवर एक साइड का ये रहा, ब्रेक लीवर एक साइड का ये रहा, क्लच लीवर वाला कोई सीन यहाँ पे है नहीं। सो वाला पार्ट है हाई बीम लो बीम, ये आपका आ जाता है एक हाई बीम लो बीम वाला स्विच। इंडिकेटर अपना हॉर्न सिंगल बजर में ही रहेगा। राइट साइड पर जाता है किल स्विच और ये आपके मोड्स, तीन मोड्स यहाँ पे मिलते हैं, जो कि वन नंबर, ये वन नंबर है, वन नंबर शो रहेगा आपका इको के लिए। फिर आ जाता है ये टू पे, टू होते ही आ गया सिटी पे, एंड थ्री पे ये आ गया आपका स्पोर्ट्स पे। तो ये आपके तीन राइडिंग मोड्स होगा, जिसके अकॉर्डिंग भी आपका जो एक रेंज वाला पार्ट है वो चेंज होता है। अब ये पार्किंग पे अभी है तो पार्किंग शो होगा, जब गाड़ी चलने के लिए रेडी रहेगा ना तो यहाँ पे ये रेडी पे आ जाएगा। बैटरी वोल्टेज, बाकी इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम, एक ये चेक लाइट भी है, वार्निंग लाइट भी है, तो ये सब कुछ आपको ऊपर मिल जाता है। यहाँ पे बैटरी का मीटर शो होगा, अभी के लिए 50% पे शो हो रहा है। आरपीएम मीटर भी है, ये आपका आ रहा है एक 0 kWh जो भी आपका यूज़ हो चुका है। ऑडोमीटर भी है, प्लस क्लॉक भी मिल जाता है, और ये सेंटर में स्पीडोमीटर, और ये एक टेम्परेचर भी है कूल और हॉट की मार्किंग के साथ, रिवॉल्व की मार्किंग, बाकी सब कुछ काफ़ी क्लियर है, मतलब ईजिली विजिबल है। दो स्विचेस भी मिल जाते हैं चेंजेस करने के लिए, एडजस्ट आपका क्लॉक वगैरह सेट करने के लिए। यहाँ पे स्टार्टर आ जाता है जिससे कि गाड़ी आपका रेडी हो जाएगी गाड़ी चलने के लिए। ग्रिप कवर कुछ इस टाइप से रिवॉल्व, अब रिवर्स करना है यानी कि रिवर्स में आपको गाड़ी लेनी है तो इस स्विच को इस टाइप से यहाँ पे प्रेस करके रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे इसको रोक के रखना पड़ेगा और एक्सेलरेट फिर गाड़ी होगी तो आप पीछे भी ले सकते हो। ये काफ़ी इजी, मतलब एक कंफ्यूजिंग नहीं है, इजी पार्ट ही है, क्योंकि कल मैंने ये चीज़ करके ऑलरेडी देख चुका हूँ। तो ये हो जाती है, देखो गाड़ी में क्या कुछ डिटेल अपने को मिल जाती है। कमेंट करके ज़रूर आप लोगों को बता देना है कौन सा कलर आपको पसंद आया, रेड, ब्लैक ब्लू, ब्लैक नियॉन या फिर ब्लैक रेड, ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर से बता देना है। अदर डिटेल की तरफ चलते हैं, जो कि चार्जिंग टाइम वगैरह सब कुछ रहता है। उससे पहले इसकी प्राइसिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये अपना जो वाइज़र है इसके साथ लुक काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है, ये रहा विथ वाइज़र। एक बार ये लाइट बंद कर देते हैं अपन, ताकि आप लोगों को लुक का आइडिया अच्छे से हो जाए। ये रहा विथ वाइज़र आपका पार्ट, और ये रहा अपना विदाउट वाइज़र वाला पार्ट। सो वाइज़र लगवा सकते हो मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छी चीज़ है। लेग गार्ड का यूज़ भी काफ़ी अच्छा है, इसका जो एक एरिया है ना ये काफ़ी अच्छा है। एग्जॉस्ट यहाँ पे है नहीं तो गाड़ी गिरे तो एग्जॉस्ट का डर रहे, बाकी ये एरिया काफ़ी अच्छा है तो गाड़ी जब भी गिरेगी इसी के ऊपर आपकी रहनी है। और प्रोटेक्शन आपके जो पैनल है, फाइबर बॉडी कंप्लीट ओवरऑल रहने वाली है, उसकी प्रोटेक्शन इसके साथ हो जाएगी। सो लेग गार्ड, ये वाला वाइज़र और हेलमेट, आपको प्राइसिंग रहेगा इन तीन चीज़ों का 3 से 3,500 रुपये, लगभग 3,3500 रुपये ये आपका प्राइस रहेगा इन तीनों ही पार्ट का। अब बात कर लेते हैं जी क्या कुछ आपको यहाँ पे बैटरी पैक मिलता है। पहले बात करते हैं RV1 में आपको जो बैटरी पैक मिलता है वो है 2.2 kWh का। RV1 Plus में जो बैटरी पैक मिलता है ये है अपना 3.24 kWh का। रेंज आप लोगों को मिल चुकी है 100+ और 160+। 160+ अपनी यहाँ पे रहता है, 250 kg यहाँ पे पे लोड कैपेसिटी आ जाता है कंपनी के अकॉर्डिंग, जो कि काफ़ी एक कह सकते हैं बेस्ट इन सेगमेंट ही है। प्लस ओवरऑल स्पेसिफिकेशन अपन लोग कवर अप कर ही चुके हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, सीट हाइट 790 mm, उसके साथ ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब बात करते हैं जो अपना रेगुलर चार्जर गाड़ी के साथ अवेलेबल रहेगा, उसके साथ चार्जिंग टाइम भी अपना रहने वाला है 0 to 80 km का, सॉरी 0 to 80% का, 3 hours 30 minutes में, 3 hours 30 minutes आपका रहेगा 0 to 80 का। प्लस जो फास्ट चार्जर गाड़ी की आपको एक्स्ट्रा पे करके लेना रहेगा, उसकी प्राइस अभी नहीं आई है, बट फास्ट चार्जर जब भी अवेलेबल होगा उसकी प्राइस मैं आपको कहीं भी बता दूंगा, या तो कोई नया वीडियो अपना शूट हो जाएगा। फास्ट चार्जर जो आपका रहेगा उसके साथ आपका 0 to 80% का टाइम रहेगा 1 hour 20 minutes, 1 hour 20 minutes आपका रहेगा फास्ट चार्जर के साथ टाइम। अब बात कर लेते हैं सबसे मेजर, गाड़ी ले रहे हो, रेंज अच्छी है, प्राइस अच्छी है, अब वारंटी पैक क्या यहाँ पे रहता है, क्या बैटरी की वारंटी रहती है कंपनी की तरफ से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो जो एक स्टैंडर्ड वारंटी पैक आपका रहेगा जो कि गाड़ी के साथ आपको रहता है अवेलेबल, वो आपका रहेगा 3 years and 40,000 kilometers, 3 साल या 40,000 kilometers ये आपका रहेगा स्टैंडर्ड जो कि गाड़ी के साथ आपको मिलेगा। अब अगर आपको एक्सटेंडेड वाला पार्ट लेना है, वारंटी इंक्रीज करवानी है, तो आपको पे करने रहेगा 5,000 रुपये
4999 के लगभग, 5000 रुपये आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना रहेगा, और फिर आपकी टोटल वारंटी हो जाएगी 5 ईयर और 75,000 किलोमीटर, 5 साल या 75,000 किलोमीटर, या फिर 3 साल और 40,000 किलोमीटर। तो ये आपका वारंटी पैक वाला पार्ट भी डन हो जाता है। बाकी की सारी डिटेल आप लोगों को मिली चुकी है। टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर आपका RV1 की भी, और 70 किलोमीटर पर आवर आपकी RV1 प्लस की भी सेम ही, ये सारी चीज़ें आप लोगों की रहने वाली है। सो ये हो जाता है जी अपना वीडियो ऑल डन। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट में ज़रूर से बता देना है। कलर कौन सा पसंद आया वो चीज़ भी कमेंट में ज़रूर से बता देनी एक बार। और मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को देता हूँ। ब्लैक ब्लू, ब्लैक नियॉन और ब्लैक ब्लू, तीन ये रहे यहाँ पे बेस पेंट गाड़ी का, ब्लैक वाला ये और रेड अपना है ये, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। और ये देख रहे हो एक दूर से, ये देखो अब ये सिंगल फ्रेम में आ गया आप लोगों के लिए सारे ही कलर। सो तीन और एक चार, सो टोटल 4 कलर ऑप्शन। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर से बता देना है। अच्छा लगा हो, बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन आप लोगों की यूज़फुल रही हो, तो एक लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को ऑल कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर से कर देना, जो भी एक कह सकते हैं लो बजट में अच्छी किफ़ायती बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों के साथ। ये वीडियो को शेयर भी ज़रूर से कर लेना है। मिलते हैं कल रात 9 बजे अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।